हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अस्सलाम वालेकुम आप देख रहे हैं के एस बर्ड्स अपडेट आज की वीडियो क्यू क्यों ए सेशन यानी आपके क्वेश्चन और हमारे आंसर के ऊपर है ठीक है तो बहुत सारे आप लोगों को अपने सवालों के जवाब मिल सकेंगे स्पेशली ब्रीडिंग सीजन के हवाले से बर्ड्स ब्रीडिंग क्यों नहीं कर रहे हैं फीमेल हीट पर क्यों नहीं आ रही है और जो हीट पर आ गए हैं उनको क्या क्या सॉफ्ट फूड जो है इसमें सीज़न में देने चाहिए ए टू सेड जितने भी क्वेश्चन हैं ठीक है उसकी मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी आप लोगों को जवाब दे सकूँ तो चले आए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं ब्रीडिंग फार्मूले की जो वीडियो हमने आपके साथ शेयर करी थी उससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हुआ है मैसेजेस मेरे पास आए हैं ठीक है काफ़ी सारे मैसेज जो है वो मैं शेयर नहीं कर सकी हूँ इस वजह से क्योंकि फिर हमारा क्यू एन ए सेशन रह जाता और वीडियो पूरी इसी में ही गुजर जाती ठीक है तो इस वजह से इन शाला नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊँगी उसमें कोशिश करूँगी कि आप लोगों के कमेंट्स जो है वो शेयर कर सकूँ ठीक है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करें वाट्सप करें अच्छा ये जो है ये आप देख सकते हैं ये बांग्लादेश से हैं ठीक है इन्होंने खुद ये फिश ऑयल बनाया है इसके अलावा झींगे का पाउडर भी इन्होंने खुद ही होम तैयार किया है मैं इनको बाकी अप्रिशिएट करती हूँ कि इस तरह से जो है आप ख़ुद भी होम में तैयार कर सकते हैं और इनके पेयर्स को जो है फ़ौर ही आप देख सकते हैं स्क्रीन में ठीक है फ़ौर ही इनके बर्ड्स को जो है वो फ़ायदा हुआ है ब्रीडिंग फार्मूले से और बहुत सारे लोग हैं जिनको ब्रीडिंग फार्मूले से फ़ायदा हुआ है तो जो नए देखने वाले हैं वो मेरे चैनल पर जाएँ और वीडियोज़ देखें फार्मूले की तो चले आए वीडियो को फरहाल स्टार्ट करते हैं और क्यों सेशन सेक्शन जो है वो शुरू करते हैं अच्छा तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इनके पेयर जो है वो हीट पर है ठीक है हीट पर जो है वो ब्रीड के लिए तैयार है मगर बॉक्स में जो है वो कॉकरोच हो गए हैं तो अब ये परेशान है कि क्या करें तो देखिए अभी पेयर ने जो है वो मीटिंग नहीं करी है अगर ठीक है अभी सिर्फ हीट पर हैं तो आप बॉक्स में जो है वो कोपैक्स पाउडर डाल सकती हैं ठीक है कोपैक्स पाउडर डाल के आप उसको कुछ दिन के लिए धूप में रख दें यानी तीन चार दिन के लिए धूप में रख दें ठीक है थीके? तो जितने भी कॉकरोच वगैरह होंगे वो निकल जाएंगे अच्छे से आपने जो है वो कॉकरे कोपैक्स पाउडर डालना है ताकि सारे कॉकरोच है उसमें से निकल जाए अच्छा ये दूसरा जो मेरे पास क्वेश्चन है अच्छा इनकी भी जो है फीमेल हीट पर है और मेल जो है हीट पर नहीं है ठीक है तो वो कह रहे हैं कि क्या चीज़ मैं दूँ मेडिसन वगैरह या कोई इस तरह का फार्मूला मैं नहीं देना चाहता जो मेरे पेयर्स को जो है नुकसान दे कोई होम मेड बताएँ कोई आसान सा बताएँ जो मैं ईजीली दे सकूँ अच्छा तो आ, आप जो है यूँ करें कि काली मिर्च ठीक है जो नॉर्मली काली मिर्च होती है हम अपने खानों में भी इस्तेमाल करते हैं वो गर्म होती है बर्ड्स को बहुत जल्दी हीट पर लेकर आती है स्पेशली मेल को ठीक है तो आप ये काली मिर्च जो है साबुत अगर आपके रिंग नैक है या एलेक्जेंड्राइन है ठीक है जो साबुत काली मिर्च खा आ सकते हो तो आप सीड्स में मिला के उनको दे दें तो बहुत जल्दी जो है पेयर हीट पर आ जाएगा अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं इनका सेटअप जो है वो इनडोर है ठीक है आउटडोर नहीं है तो इनके बर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सुस्त हो रहे हैं ब्रीड पर भी नहीं लग रहे कोई भी पेयर इनका ब्रीड पर नहीं लगा है अभी तक और ये परेशान है कि क्या करें बर्ड्स में जो है वो तरह तरह की प्रॉब्लम्स भी हो रही है क्योंकि धूप नहीं लग रही ठीक है हड्डियों का भी मसला हो रहा है अच्छा इसमें जो जो है आप यूँ कर सकते हैं कि आप वाइटमिन के लिए आपने पी सिरप देना है ठीक है यानी कैल्शियम पी सिरप जो है आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें इसमें वाइटामिन डी थ्री जो है काफ़ी मिकदार में होता है यानी बर्ड्स को जो धूप से वाइटामिन डी थ्री मिलता है वो ये सीरप जो है उसकी कमी को पूरा कर देता है ठीक है और भी जो है इसमें जितने भी प्रॉब्लम्स आपके बर्ड्स में आ रही हैं जो बर्ड्स सुस्त हो रहे हैं तो ये सीरप आप दें इन बर्ड्स जो है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे इसका तरीके ये है कि आप पानी में जो है वो कुछ ड्रॉप्स मिलाकर आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं ठीक है अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कि इनके पेयर्स हैं रिंग नेक के और अलेक्गजेंड्राइन इनके एलेक्जेंड्राइन इनके पेयर्स ने तो ब्रीड कर दी है हीट पे भी आ रहे हैं मगर रिंग नेक का अभी इनको कोई चांस नहीं लग रहा ठीक है क्योंकि बर्ड्स जो हैं वो हीट पर भी नहीं है तो देखिए आप थोड़ा सा वेट करें कितने सारे मेरे पास इसी मुतलिक क्वेश्चन आ रहे हैं कि रिंग नेक के पेयर्स नहीं लग रहे तो रिंग नेक का सीज़न ही एलेक्जेंड्राइन के बाद आता है जब अभी एलेक्जेंड्राइन के ही पेयर्स सही से नहीं लगे हैं तो रिंगनेक की हम कहाँ से ब्रीड ले सकते हैं बहुत कम जगहों पे जो है रिंगनेक की ब्रीड आ रही है तो थोड़ा सा आप वेट करें रिंग नेक का सीज़न जो है जाके अभी जनवरी में है अभी टाइम है दो महीने हैं ठीक है तो इसलिए हमें इंतज़ार करना चाहिए आप चाहें तो फार्मूले दे सकते हैं नेचुरल फार्मूले मैंने बताए हैं तो उससे बर्ड्स को कोई नुकसान नहीं होगा आप वो बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं इसके अलावा पेयरिंग वगैरह आप ना तोड़ें आप सिर्फ अभी थोड़ा सा वेट करें बर्ड्स को जो है डाइट अच्छी दें ठीक है इन आपके रिंग नेक के पेयर्स भी बहुत जल्दी लग जाएंगे जैसे कि अलेक्जेंड्राइन का सीज़न शुरू हो गया तो सीज़न में एलेक्जेंड्राइन आपके पास जो है ब्रीड के तैयार हो गए ठीक है इसी तरह जब रिंगनेक का सीजन आएगा तो रिंगनेक भी आपके पास इनशाला तला जल्दी सेट हो जाएंगे ठीक है अच्छा हम चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ब्रीडिंग सीजन में बर्ड्स को क्या फ़ूड देना चाहिए कौन से सॉफ्ट फूड देने चाहिए क्या डाइट देनी चाहिए जो बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए भी अच्छी हो और जब चिक्स आ जाएं तो उनके लिए भी अच्छी हो ठीक है तो उसके लिए आपने जो है लाल लोबिया देना है ठीक है लाल लोबिया बहुत ज़्यादा हेल्दी है सफ़ेद लोबिया की बनस्बत लाल लोबिया जो है बहुत ज़्यादा ताकत रखता है ठीक है इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है प्रोटीन वगैरह होता है लाल लोबिया दें इसके अलावा आप बंद गोभी दें बंद गोभी एग्स लेंग में बहुत अच्छी है एग्स की क्वान्ट ब्रीडिटी बढ़ाती है बनगोबी दे सकते हैं काला चना दे सकते हैं ये बर्ड्स की ब्रीड के लिए बहुत अच्छा है ठीक है इसके अलावा लूसन दे सकते हैं इतना महंगा भी नहीं है सस्ता है हर बंदा आराम से नॉर्मली ले सकता है लूसन ठीक है तो आपको 10 15 रुपए का भी बहुत सारा मिल जाएगा कि आपके जितने भी पेयर्स होंगे वो इजीली आराम से खा लेंगे और सबको आप प्रोवाइड कर सकते हैं ठीक है थीके? इसके अलावा भुट्टा आप दे सकते हैं ये भी सस्ती चीजें महंगी चीज नहीं है ठीक है बर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा ताकतवर है यहां तक कि जब चिक्स आए हुए हूं तो भी ये चीजें जो मैं आपको बता रही हूं ये ब्रीडिंग सीज में भी दें और चिक्स आने के बाद भी पेयर्स को दें ठीक है तो चिक्स भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होंगे इसके अलावा एग फूड का तो मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि एग फूड दें एग फूड ब्रीड के लिए भी अच्छा है विंटर सीजन में बर्ड्स को गर्म रखने के लिए भी अच्छा है ठीक है और इसके अलावा चिक्स जब आ जाएंगे बॉक्स या मटकी में तो उस इनके लिए भी बहुत अच्छा है कि जब पेयर्स चिक्स को जाके फीड कराएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होंगे ठीक है ये चीज़ें आप दे सकते हैं इसके अलावा आप चावल दे सकते हैं राइस ठीक है मगर ये कम मकदार में देना है सर्दी में बहुत ज़्यादा नहीं देना क्योंकि चावल हम इसलिए देंगे क्योंकि इसमें प्रोटीन बेानतहा होता है बेशुमार इसमें जो है प्रोटीन पाया जाता है चावल में राइस में ठीक है इसलिए हम ये प्रोवाइड करेंगे यानी हफ़्ते में आप एक दफ़ा दे सकते हैं ठीक है जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ शुरू होंगी तो फिर हम दो हफ़्ते में कभी डाल देंगे आठ दस दिन में बर्ड्स को डाल देंगे ठीक है मगर अभी जो है हम हफ़्ते में एक दफ़ा बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि मैं भी अपने बर्ड्स को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हूँ ठीक है ये आप देख सकते हैं लूसन मेरे बर्ड्स कितने शौक से खा रहे हैं मैं अपने तमाम बर्ड्स को प्रोवाइड करती हूँ इसके अलावा जो है चिक्स आने के बाद भी ये तमाम चीज़ें देती हूँ जिसमें लूसन है राइस हैं ठीक है आ, मेरे बजेस के जो पेयर हैं अलहदुल्ला उन्होंने जो है वो एग्स ले किए हुए थे तो कुछ के जो है वो चिक्स आ गए हैं मैं बहुत जल्दी जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो वीडियो भी ठीक है तो है उनको भी प्रोवाइड कर रही जिसमें राइस है एग फूड है लूसन है काला चना है लाल लोबिया है बन्द गोभी है ठीक है तो इस तरह से आप दिन ले, बना लें यानी शेड्यूल बना लें कि आपने हफ्ते में ऐसे सात दिन होते हैं तो एक दिन आपने लूसन डाल दिया एक दिन आपने राइस डाल दिया एक दिन आपने एग फूड डाल दिया या इसके अलावा एक दिन दालें डाल दी सब्जियां डाल दी ठीक है फिर जब नेक्स्ट डे आया तो आपने फ्रूट डाल दिया इस तरह से हमारे जो सेवन डेज़ हैं सात दिन पूरा हफ़्ता हमारा जो है वो कवर हो जाएगा और हमारे बर्ड्स भी हेल्दी रहेंगे ठीक है किसी में आपने जो है वो मल्टी वाइटमिनस मिलाकर डाल दिए किसी में आपने कैल्शियम डाल दिया मिलाकर फ्रूट्स वगैरह में तो इस तरह से बर्ड्स भी हेल्दी होंगे चिक्स भी हेल्दी होंगे तो ब्रीडिंग सीजन में हमें इसी तरह से ख्याल रखना चाहिए अच्छा केज में जितनी ज़्यादा हम चीज़ें प्रोवाइड करेंगे बर्ड्स को ये नहीं ये ये नहीं देखें आप ये भी मेरे बर्ड्स माशाल्लाह से राइस खा रहे हैं ठीक है ये मैं अभी जो है आठ दस दिन में अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर देती हूँ क्योंकि नॉर्मली जब घर में राइस बनते हैं थोड़े से अगर बच जाएँ आप थोड़े ज़्यादा बना लें तो अपने बर्ड्स को भी प्रोवाइड कर दें तो बर्ड्स भी शौक से खाएँगे ठीक है तो ये सारी चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है स्पेशली ब्रीडिंग सीजन में और जब चिक्स आ जाएंगे तब हमारी जिम्मेदारी डबल हो जाती है ज़्यादा हो जाती है ठीक है तो हर चीज़ का जो है हमें ख्याल करना पड़ता है तो ये मेरी आज की वीडियो थी उम्मीद है मेरी वीडियो आज की आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर सकते हैं आपके बर्स में कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप मुझसे कर सकते हैं ठीक है कमेंट्स आप लोग लाजमी किया करें अपनी राय से आपका ज़रूर किया करें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दिएगा जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लियेगा थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो